गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं चैप्टर नंबर 5, इट्स सो हैपेंड बुक, क्लास 8 इंग्लिश। द चैप्टर नेम इज प्रिंसेस सितंबर। द किंग एंड क्वीन ऑफ सियाम हैड मेनी डॉटर्स। राजा और रानी जो सियाम के थे, उनके बहुत सी बेटियां थीं। इन ऑर्डर टू अवॉइड कन्फ्यूजन, द किंग कॉल्ड द प्रिंसेस बाय द नेम्स ऑफ द मंथ्स, लाइक जनवरी, फेबररी, मार्च, अप्रैल एट्सेट्रा। राजा कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए उन्होंने अपनी बेटियों का नाम महीनों के नाम पर रख रखा था। जैसे जो सबसे छोटी, सबसे बड़ी बेटी थी, उसका नाम जनवरी, उसके बाद जो थी फेबररी, मार्च, अप्रैल, इस तरह से क्रमशः नाम रख रखा था। द लास्ट डॉटर वॉज नेम्ड सितंबर, और अंतिम बेटी का नाम सितंबर था। इससे ये पता चलता है सितंबर जो है वो मंथ का नौवां महीना है, इट इज़ द नाइन्थ मंथ, तो यानी कि नौ बेटियाँ थी। द किंग ऑफ सियाम हैड ए पिक्युलियर स्ट्रेंज हैबिट। जो सियाम के राजा थे, उनके एक अजीब सी आदत थी। पिक्युलियर का मतलब विचित्र, अजीब। इंस्टीड ऑफ एक्सेप्टिंग बर्थडे गिफ्ट्स, ही यूज टू गिव एवरी वन गिफ्ट्स। प्रायः जब बर्थडे उनका आता था तो वो गिफ्ट को लेते नहीं थे, बल्कि वो गिफ्ट देना पसंद करते थे। वन ईयर ऑफ हिज बर्थडे ही गेव ईच वन ऑफ द प्रिंसेस अ ग्रीन पैरट इन ए गोल्डन केज। एक वर्ष की बात है बच्चों, जब उनका बर्थडे आया, जन्मदिन आया, उन्होंने डिसाइड करके रखा था कि आज उनके अपने राजकुमारियां अर्थात बेटियों को एक हर एक रंग की तोता उनके पास थी, उन सबको देना था गोल्डन केज में रख के, सबके लिए एक एक तोता और सबके लिए एक एक गोल्डन केज। द प्रिंसेस टॉट द बर्ड टू से गॉड सेव द किंग। फलस्वरूप जब राजकुमारियों को वो तोता मिला, उन्होंने सिखाया चिड़िया को बोलने के लिए, पैरट को बोलने के लिए सिखाया, गॉड सेव द किंग, भगवान राजा को बचाएं, अर्थात भगवान राजा की रक्षा करें। सम ऑफ द पैरट्स वुड से प्रिटी पॉली इन 7 ओरिएंटल लैंग्वेज। कुछ पैरट जो बोलना सीख पाए थे प्रिटी पॉली, इस तरह से वो बोलते थे 7 अलग अलग भाषाओं में। वन डे प्रिंसेस सितंबर फाउंड हर पैरट लाइंग डेड। एक दिन बच्चों, जो प्रिंसेस सितंबर थी, सबसे छोटी बेटी, उनका तोता मर गया, और उन्होंने देखा कि मेरा तोता तो मर गया है। सी बर्स्ट इनटू टीयर्स, रोने लगी, आंखों से उनके आंसू निकलने लगे। द क्वीन कॉल्ड हर क्राइंग नॉनसेंस एंड पुट हर टू बेड विदाउट एनी सपर। रानी वहाँ आती हैं, बहुत समझाती बुझाती हैं, फिर भी वो नहीं मानती हैं। रानी भी गुस्से में उन्हें क्राइंग नॉनसेंस कह के चली जाती हैं और कहती हैं ठीक है, अब सो जा, रात का खाना वो उन्हें खाने के लिए देती नहीं है। सफ़र का मतलब रात का भोजन, रात्रि भोजन। प्रिंसेस सितंबर वॉज देन वोकन अप बाय द सॉन्ग ऑफ ए लिटिल बर्ड। रात जब बीत जाता है तो प्रिंसेस सितंबर उठती हैं, उनकी नींद खुल जाती है। वो नींद ऐसे नहीं खुलती है, उन्हें नींद में ही एक लिटिल बर्ड की सॉन्ग की आवाज़ आती है, तो उनकी नींद खुल जाती है। द बर्ड फ्लू इन टू हर रूम एंड सैंग ब्यूटिफुली। चिड़िया अब उनके कमरे में आ जाती है और बहुत ही मनोहर सुंदर गीत गाती है। प्रिंसेस सितंबर फॉरगेट क्राइंग। प्रिंसेस सितंबर अब रोना बंद कर देती हैं। सी एग्री टू हैव इट एंड पेट इट इन प्लेस ऑफ द डेड पैरेट। अब वो सहमत हो जाती हैं कि चलो इसी चिड़िया को अपने पास हम रख लें, इसको पाल लें, पेट कर लें, चूँकि अब उनके पास अब पैरेट नहीं था क्योंकि वो मर गया था। द नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन द प्रिंसेस अवोक, अगली सुबह जब राजकुमारी उठती हैं, द लिटिल बर्ड वॉज स्टिल देयर एंड ही सेड गुड मॉर्निंग। अभी भी छोटी चिड़ियों को देखा कि वो वहीं बैठी है, और चिड़िया ने इनका स्वागत गुड मॉर्निंग अर्थात सुप्रभात कहकर किया। ये ट्राइस आउट ऑफ हर हैंड। अब राजकुमारी ने उसके लिए खाने के लिए हाथ में कुछ
राइस रखे, चावल रखे, जिसे वो हाथ से लेकर खा लिया। एवरीबडी वॉज सरप्राइज टू सी दैट। घर में जो और उनकी बहन थी, आठ बहनें, वो देखकर सरप्राइज हो गई, आश्चर्यचकित हो गई। प्रिंसेस सितंबर डिसाइडेड टू शो हर टू हर सिस्टर्स। प्रिंसेस सितंबर ने ये तय किया कि अपनी छोटी सी चिड़िया को, जो सुंदर गीत गाती थी, अपने बहनों को भी दिखाएं। फॉर ईच ऑफ देम द वर्ल्ड सैंग ए डिफरेंट सॉन्ग। जब वो वर्ल्ड को दिखाने के लिए गई तो उन सभी के लिए अलग अलग चिड़िया ने सुंदर सुंदर गीत गाए। द पैरट कुड ओनली से गॉड सेव द किंग। उनके पास जो तोते थे वो तो केवल गॉड सेव द किंग कहते थे, वे गीत नहीं गाते थे। द किंग एंड द क्वीन वर ऑल्सो सरप्राइज एंड डिलाइटेड टू हियर द वर्ल्ड सॉन्ग। राजा और रानी को जब इस बात की खबर लगी और वो देखने आए तो वो दोनों सरप्राइज भी हुए, अर्थात स्तब्ध भी हुए, आश्चर्यचकित भी हुए, साथ ही साथ प्रसन्नचित भी हुए उसके सुंदर गीत को सुनकर। द किंग हैड गॉट टायर्ड ऑफ हियरिंग दोज पैरट्स से प्रिटी पॉली। राजा भी थक चुके थे, जो राजकुमारियों के पास पैरट था, गॉड सेव द किंग कहते थे, प्रिटी पॉली कहते थे, इन बातों को सुन सुनकर। ऑल द एट प्रिंसेस वर वरीड नाउ। अब प्रिंसेस सितंबर की जो बाकी की आठ बहनें थीं वो अब चिंतित हो गईं। द पैरट्स ऑल्सो लुक्ड सैड। जो उनके तोते थे वे भी निराश हो गए। ऐसा क्यों हुआ बच्चों? क्योंकि उनको लगा कि अब तो राजा और रानी केवल प्रिंसेस सितंबर को प्यार करेंगे, अब हमें तो कोई प्यार करने वाला है नहीं। तोता भी सोचने लगा शायद कि अब तो छोटी चिड़िया को सभी लोग प्यार करेंगे, वो अच्छा गीत गाती है, हम लोग तो नहीं गा पाते हैं। ओनली प्रिंसेस सितंबर रैन इन द पैलेस सिंगिंग लाइक ए लार्क। प्रिंसेस सितंबर का खुशी का ठिकाना नहीं था, वह लार्क पक्षी की भांति महल में इधर से उधर गाते हुए दौड़ते हुए फिरती चलती। द जीलस सिस्टर्स टुक अ नैस्टी डिसीजन। जो उनकी आठ बहनें थीं इस बात से वो जीलस हो गई और एक बड़ा ही खराब डिसीजन लिया उन्होंने बच्चों। दे पॉइंटेड आउट टू देयर यंगेस्ट सिस्टर दैट शी शुड पुट द वर्ड इन टू अ केज, अदरवाइज ही शुड फ्लाई अवे फॉर गुड। उन्होंने प्रिंसेस सितंबर को एक सलाह दे डाली, कहा कि अपनी छोटी चिड़िया, जो इतना सुंदर तुम्हारी चिड़िया गाती है, उसे जल्द से जल्द एक पिंजड़े में बंद कर दो, वरना ये किसी दिन तुम्हें छोड़कर चली जाएंगी, उड़ जाएंगी। अब बच्चों कहने का तो फ़र्क पड़ता ही है। अब प्रिंसेस सितंबर पे भी अपनी जो उनकी बहनें जो सलाह दी, इससे उन पर फ़र्क पड़ा। आगे देखते हैं। द लिटिल बर्ड केम लेट दैट इवनिंग। छोटी चिड़िया उस शाम इवनिंग में देर से आई। सितंबर्स वरी वाज अबाउट द सेफ्टी फ्रॉम हॉक्स एंड द हंटर्स ट्रैप्स। सितंबर सोच ही रही थी, चिंतित थी कि उनकी चिड़िया अभी तक क्यों नहीं आई है, क्योंकि उन्हें डर था कि बाहर जो हॉक्स हैं, जो चील हैं, हंटर्स हैं, कहीं वो इन्हें ना पकड़ लें, खा लेना। सो एज ही केम सी पुश्ड हिम इनटू अ केज एंड शट द डोर। जैसी चिड़िया आती है बच्चों, उसे वो एक केज में बंद कर देती हैं और केज का दरवाज़ा बंद कर देती हैं। द वर्ल्ड वॉज टेकन अवेक सरप्राइज्ड। चिड़िया हैरान रह जाती है, आश्चर्यचकित रह जाती है। ही होप दैट ही वुड बी सेट फ्री इन द मॉर्निंग। हालांकि उसे विश्वास था, आशा थी चिड़िया को कि मॉर्निंग में राजकुमारी उसे आज़ाद कर देंगी। बट ही क्राइड इन वेन फॉर लिबर्टी। लेकिन बच्चों ऐसा होता नहीं है। वह स्वच्छता के लिए, लिबर्टी के लिए, आज़ादी के लिए छटपटाता रहता है। एज ए रिजल्ट ही लॉस्ट हिज सिंगिंग इंटरेस्ट। परिणाम स्वरूप क्या होता है बच्चों? कि अपना जो सिंगिंग इंटरेस्ट था, सिंगिंग टैलेंट था, उसे वो खो देता है। अब वह सुंदर गीत नहीं गाता था, केवल निराश अपने पिंजरे में पड़ा रहता था। ही ऑल्सो रिफ्यूज टू ईट एनीथिंग वह कुछ भी खाने पीने से परहेज कर रहा था। उसे खाना पीना अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि उसकी आज़ादी छीन गई थी। द नेक्स्ट डे प्रिंसेस सितंबर फाउंड द वर्ड लाइंग विथ हिज आइज क्लोज्ड। अगली सुबह जब प्रिंसेस सितंबर उसके केज के पास जाती हैं तो देखती हैं कि अरे उसकी चिड़िया तो आँख बंद किए बिल्कुल पड़ी हुई है। ही लुक्ड एज इफ ही वर डेड। वह ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वो मर गया हो।
सीइंग हिज कंडीशन शी एग्री टू लेट हिम फ्री। उसकी स्थिति को देखते हुए राजकुमारी अर्थात प्रिंसेस सितंबर ने फैसला किया कि वह उसे आज़ाद कर देंगी। एंड द बर्ड प्रॉमिस टू रिटर्न टू हर एवरी डे एंड सिंग टू हर। और चिड़िया ने भी, छोटी चिड़िया ने भी प्रॉमिस किया, वादा किया इनसे कि वह प्रत्येक शाम को जल्दी आ जाएंगी और उनके लिए एक सुंदर गीत गाएंगी। हर सिस्टर्स मेड फन ऑफ हर। जब उनकी 8 सिस्टर्स को यह बात पता चली तो वे इनका मजाक उड़ाने लगी। दे सेड दैट द बर्ड वुड नेवर रिटर्न। उन्होंने प्रिंसेस राजकुमारी को सितंबर को कहा कि चिड़िया झूठी प्रॉमिस तुमसे कर रही है, वो बहुत चालाक है, चली जाएगी और फिर तुम्हारे पास कभी रिटर्न नहीं आएगी। बट ही डिड एट लास्ट। लेकिन बच्चों ऐसा नहीं होता है, जो चिड़िया ने वादा किया था कि वो उनके पास प्रतिदिन आएगी तो चिड़िया आती है। एंड ही सैट ऑन प्रिंसेस सितंबर्स शोल्डर एंड एट आउट ऑफ हिज हैंड एंड सैंग हर द ब्यूटिफुल सॉन्ग ही हैड लर्न्ड। वो चिड़िया आती है प्रिंसेस सितंबर के सोल्जर पे अर्थात कंधे पे बैठती है और उनके हाथ से जो दाना चुगती है और बहुत ही सुंदर गीत जो उसने सीखी थी चिड़िया ने वो इन्हें सुनाती है, गाती है। प्रिंसेस सितंबर केप्ट हर विंडो ओपन ऑल डे एंड नाइट फॉर द बर्ड टू फ्लाई इन एंड आउट। अब प्रिंसेस सितंबर को अपने चिड़िया के लिए कोई भी चिंता नहीं थी, अब उस पर विश्वास हो गया था, इसलिए उन्होंने अपने विंडो को खोल कर रखने लगी थी जिससे कि चिड़िया को कभी भी आने जाने में कोई असुविधा ना हो। फ्रेश एयर फ्रॉम द ओपन विंडो मेड द प्रिंसेस एक्सट्रीमली हैप्पी एंड इवन मोर ब्यूटीफुल। इस तरह से बच्चों फ्रेश एयर उस विंडो से आने लगी जिससे कि दिन प्रतिदिन राजकुमारी प्रसन्नचित रहने लगी और वो और भी सुंदर होती गई। सी वॉज मैरिड टू द किंग ऑफ कम्बोडिया। और जब वो बड़ी हो गई तो उनकी जो है वो मैरिज प्रिंस ऑफ कम्बोडिया से हो गई। बट हर सिस्टर्स हु केप्ट द विंडो शट ग्रीव अनहैप्पी एज वेल एज अगली। लेकिन जो उनकी सिस्टर्स अपने दरवाजे खिड़कियाँ बंद रखती थी वह और भी निराश होती गई और अगली होते गई। सो दे वर मैरिड अवे विद द किंग्स मिनिस्टर्स। इसलिए उनका विवाह राजा के जो मिनिस्टर थे, मंत्री थे, राजकुमार के जो मंत्री थे उनके साथ हो गया। इस तरह से बच्चों आपका यह लेसन समाप्त हुआ। इस लेसन से हमें ये सीख मिलती है कि हमें ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। वी शुड नॉट बी इनवायस, वी शुड नॉट हैव जेलस विथ एनीबडी, है ना, क्योंकि उसका बुरा परिणाम खुद पे पड़ता है। हमें प्रसन्नचित रहना चाहिए, दूसरे को सहयोग करना चाहिए, हमें किसी को भी आगे बढ़ने में हमेशा सहायता करनी चाहिए। थैंक यू। नेक्स्ट इन द नेक्स्ट लेसन।